आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के नए वेरिएंट की, जो अब देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहा है। कोरोना जो लगातार वापस आ रहा है, बार बार वापस आ रहा है और पिछली बार से ज़्यादा घातक होकर के वापस आ रहा है। ये चौथी लहर कोविड की अब देश में आ चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए कई सारे प्रमुख जो प्रदेश हैं वहाँ पर आ चुकी है और उत्तर प्रदेश के NCR से होते हुए उत्तर प्रदेश के बाकी के ज़िलों में भी इसने पैर पसारना अब शुरू कर दिया है। ऐसे में ये जान लेना, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम इस समस्या से अब कैसे लड़ेंगे, आखिर इस चौथे वेरिएंट से लड़ने के लिए, आखिर इस चौथे वेरिएंट के बारे में हम कितना जानते हैं, लड़ने के लिए कितना तैयार हैं, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी दुरुस्त हुई है, क्योंकि पिछला कोविड कोई नहीं भूला है। उस कोविड के दौरान जो हाहाकार देश प्रदेश में मचा था, उस हाहाकार के बाद हमने क्या सीख ली, हमने अपनी स्थितियों को कितनी व्यवस्थित किया, सरकारें इस कोविड के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए किस तरह से तैयार हैं और जो डॉक्टर्स की टीम है वो क्या कर रही है, डॉक्टर्स की टीम ने क्या सुरक्षा के एहतियात बरतने के लिए जनता से कहा है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही अहम है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको सजग करना है, हमारा मकसद आपको चेताना है, सावधान करना है कि एक बड़ी समस्या एक बार फिर से हमारे और आपके बीच आने वाली है और उस समस्या से लड़ने के लिए हमें और आपको अभी से ही तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोविड के नए केसेस की बात करी जाए या नए वेरिएंट की बात करी जाए, तो ये नया वेरिएंट पिछले सारे वेरिएंट से ज़्यादा घातक है। ओमिक्रॉन जो अपने दो प्रकार BA.1 और BA.2 के साथ आया था, उसके बाद अब ये XE वेरिएंट के साथ आया है। बताया जा रहा है ये ओमिक्रॉन का हाइब्रिड वर्जन है और पिछले सभी वर्जनों से 10 गुना ज़्यादा घातक है। हालांकि अभी ये मापा नहीं गया है, नापा नहीं गया है, लेकिन जो अनुमान है और जो बताया जा रहा है कि ये 10 गुना ज़्यादा घातक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इससे हमें और आपको कितनी समस्याएँ होने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस कोविड के नए वेरिएंट से जो यूरोप के देश हैं वो ज़्यादा ग्रसित हैं, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर लें, बेल्जियम की, जर्मनी की, फ्रांस की, इन सभी की बात कर लें, और या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की बात कर लें। चाइना का जो शंघाई शहर है वो फाइनेंशियल हब कहा जाता है, जैसे भारत का फाइनेंशियल हब मुंबई को कहा जाता है, उसी तरह से चाइना का फाइनेंशियल हब जो है वो शंघाई है। और शंघाई में ये कोविड का जो XE वेरिएंट है इस कदर अपने पैर पसारे हुए है, इस कदर वहाँ पर इसका प्रकोप है कि बीते कई हफ्तों से वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है। कंप्लीट लॉकडाउन मतलब लोगों से ये तक कहा गया है कि वो अपनी बालकनी में भी ना निकलें, वो अपने छतों पर ना निकलें, अपने घर में रहें, क्योंकि वहाँ पर लगातार इसके जो केसेस हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और चाइना वो जगह जहाँ पर वैक्सीनेशन भी प्रॉपर तरीके से हुआ, जो विज्ञान के मामले में भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो केसेस की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसी वजह से वहाँ का जो फाइनेंशियल हब है शंघाई, वहाँ पर एक लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके अलावा अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में अगर हम देखें तो नोएडा, गाज़ियाबाद, ये जो प्रदेश उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी ये कोविड के चौथे वेरिएंट के जो केसेस हैं वो मिल रहे हैं और केरल, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, इन जगहों पर लगातार इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। उसी के चलते दिल्ली NCR का जो इलाका है वहाँ पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि इस बार भी ये जो वेरिएंट आया है ये बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो स्कूल कॉलेज हैं वो खुले हुए हैं,
बच्चे लगातार संक्रमित हो रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के मामले निकलकर सामने आए हैं, कई स्कूलों में जो बच्चे हैं वो संक्रमित हुए हैं, तो यहां पर यह सावधानी बरतनी भी जरूरी है कि आपके आसपास घर परिवार में अगर किसी बच्चे को जुकाम भी होता है तो पहले उसका टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो एक समस्या, गंभीर समस्या, बड़ी समस्या बन जाए। उसके पहले अगर उसका टेस्ट करवा करके, उसकी जांच पड़ताल करा करके उसका इलाज हो सके तो इलाज कराइए, क्योंकि लगातार ये कोविड का जो XE वेरिएंट है ये बढ़ता जा रहा है, लगातार इसके जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और लगातार जो खतरा है वो खतरा भी बढ़ते जा रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन हम आपको चेता जरूर रहे कि आखिर आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है, और इन सबके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारी भारत की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार क्या तैयारी कर रही है, क्या इस बार एहतियात बरतने हैं, जो चिकित्सक हैं उनकी तरफ से कौन कौन सी प्रमुख सलाहें हैं जिनको मानना बहुत ज़रूरी है, कैसे इस समस्या से लड़ा जाए, इन सब पर चर्चा की जानी ज़रूरी है। जाँचने के लिए कितनी तैयारियाँ हैं, लड़ने के लिए कितनी तैयारियां हैं, वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश देश में प्रॉपर हुआ है, दो दो डोजे लगी हैं, बूस्टर डोज लगी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, यूरोप की कंट्रीज को देखें, तो वहां पर भी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है, बूस्टर डोजेज लगी हैं, उसके बावजूद वहां पर जो एहतियात है वो बड़े पैमाने पर बरता जा रहा है कोविड के इस नए वेरियंट को लेकर के। और भारत में इसकी समस्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, बच्चे लगातार एक दूसरे से संपर्क में है, स्कूलों में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या चेहरों पर मास्क है, सैनिटाइजर का कितना इस्तेमाल हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हमें इस समस्या से कितना बचा सकती हैं, इस पर विचार करना ज़रूरी है सरकार को भी, चाहे वो भारत की हो चाहे प्रदेश की हो, और एक बार हमें अपनी भी तैयारियों को रिविजिट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद भी ये जान लें, समझ लें, ये परख लें कि आखिर हम इस समस्या से लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। तो इन्हीं विषयों पर इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही अहम विषय है ये, बहुत ही अहम जानकारी आज हम देने की आपको कोशिश करेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि बीते 28 दिनों में करीब 6,000 मौतें कोविड की वजह से देश में हुई हैं, 46,000 नए केस आए हैं, 58,000 से ज़्यादा लोग सही भी हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर ज़रूर है कि 58,000 से ज़्यादा लोग सही हुए हैं, लेकिन लगातार जो केसेस की संख्या है वो बढ़ रही है XE वेरिएंट की। इससे कैसे बचा जाए, कौन सी सावधानियां बरतनी है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सरकारें कितनी तैयार हैं, दूसरे प्रदेशों में जो सरकारें हैं जहां पर ये कोविड के केसेस आए हैं उन्होंने वहां पर क्या क्या एहतियात बरते हैं, क्या सावधानियां बरती हैं जो यहां की सरकारों को वो बताना चाहते हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। देखिए, अभी हमारे हिसाब से नए वेरिएंट की तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, और ये जो थोड़ा उछाल आया है ये हम मतलब जैसे कहते हैं कि लोगों की ही वो शिथिलता के कारण, जिसे कह सकते हैं, लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं, सामाजिक वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं दूरी का, और हमारे हिसाब से ये कंटेनमेंट जो है, ये जो कोविड के कुछ केसों में उछाल आ रहा है, ये लोग मास्क लगावें और दूरी सामाजिक दूरी जो 6 फीट की है उसका करें, हाथ धोएं और सैनिटाइजेशन करें, इससे ये कंटेन हो जाएगा। अभी कोई नए वेरिएंट की कोई वो नहीं है। नहीं, इससे देखिए, मास्क और ये जो 6 फीट की दूरी है इसने पहले ही, मतलब पहली दूसरी लहर में, तीसरी लहर में भी इसने पूरा काम किया है और पूरा कंटेनमेंट हुआ है कोरोना का। और हम सोचते हैं कि ये इस लहर को आने ही, अगर पहले से ही हम लोग सचेत हो जाएंगे तो ये लहर नहीं आएगी। नहीं लोहिया, क्या हमारा सिविल अस्पताल भी तैयार है पूरी तरीके से, हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, हमारे पास सारे बेड तैयार हैं, चिकित्सक हमारे बढ़िया। इस डिबेट में मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ का ये कहना है कि आजकल टीवी चैनल पर एक बहुत ही अहम मुद्दा छिड़ा हुआ है, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं की, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी ये जो मुद्दा है इस मुद्दे पर चर्चा कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, भविष्य से जुड़ी हुई है, ये मुद्दा आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है कि आखिर हम कैसे अपने आप को इस समस्या से बचाएं। फिलहाल मैं इस डिबेट को शुरू करूंगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, KC जैन जी हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ
सुभाष यादव जी जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं, विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा सीनियर डॉक्टर के रूप में हमारे साथ विनीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का आज का डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। विनीता जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि सबसे अहम जानकारी हमें आप ही से मिल सकती है इस नए वेरियंट के बारे में। तो ये जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली NCR होते होते अब केसेस की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य ज़िलों में भी आ गई है, आज भी बताया जा रहा है कि लखनऊ के ही एक अस्पताल में कुछ स्टूडेंट जो हैं मेडिकल के, वो भी इससे संक्रमित पाए गए हैं। तो क्या ये नया वाला वेरिएंट XE वेरिएंट है, ये कितना घातक है, इससे कैसे बचा जाए? नया जो केसेस बढ़ रहे हैं वो किस वेरिएंट के हैं? सबसे पहले तो हमें ये अपने माइंड में कर लेना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है अभी तक गया नहीं है। जो केसेस कम हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि हमारी सावधानी, वैक्सीनेशन और जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कम किए हैं उसकी वजह से केसेस कम हैं। और कोरोना वायरस जो है वो लेटेंट फॉर्म में हो जाता है, जैसे उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होता है, जैसे चेंजिंग वेदर है और लोगों का एक दूसरे से मिलना है और जो हमारी लापरवाहियां हैं, जैसे अभी लोग देख रहे हैं आप मार्केट में मास्क नहीं लगा रहे हैं, शादी ब्याह बढ़ चुके हैं और लोगों की गैदरिंग बढ़ गई है, तो ये गैदरिंग की वजह से क्या होता है कि उसको अपना जैसे कहते हैं ना फल फूलने के लिए उसको इन्वायरमेंट मिल गया है, इसलिए केसेस बढ़ने लगे हैं। और जब जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग करवाएंगे तब हमें ज़्यादा कंफर्म हो पाएगा कि जो वेरिएंट है वो किस तरह का है। अच्छा, ये जो कुछ जानकारियां हैं जिसमें बताया गया है कि ये XE वेरिएंट जो है वो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है, इसके अलावा बताया गया है कि इसके जो लक्षण हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम, क्योंकि ये लक्षण आजकल आमतौर पर लोगों में देखा जा रहा है मौसम बदलने की वजह से, तो क्या आप ऐसा भी कहेंगे कि अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो उसे टेस्ट करा लेना चाहिए? जी, टेस्ट कराना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लापरवाही जहां हमने की केसेस बढ़ते जाएंगे और फिर हमें कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होगी। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो हम अपनी तैयारी, जैसे मान लीजिए अगर युद्ध हो या ना हो हमें अपने हथियार हमेशा तैयार रखने चाहिए, उसी तरह से कोरोना भी एक लड़ाई है और हमारे हथियार हैं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, तो हमें अपने हथियार हर टाइम, चाहे कोरोना पीक पे हो चाहे कम हो, हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, जहां हमने लापरवाही की फिर हम कमजोर हो जाएंगे और वायरस हैवी हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास मैडम। विनय पटेल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विनय भाई, दिल्ली में भी केसेस निकल कर सामने आए हैं बड़े पैमाने पर, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुकाबले कितना बेहतर है इस समस्या से लड़ने के लिए? दिल्ली में क्या कदम आप लोगों ने उठाए जो आप सलाह देना चाहेंगे यहाँ की सरकार को, यहाँ के मिनिस्टर्स को, यहाँ के CM को, कि उस कदम को उठाया जाए ताकि स्थिति को बेहतर किया जा सकता है अगर ये वेरिएंट बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आता है तो? देखिए नितिन जी, कोरोना वायरस एक ऐसा महामारी है, आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से पूरा देश उभर नहीं पाया इससे, और आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक नया वर्जन आ गया है देश में, तो मुझे लगता है कि यूपी की सरकार, दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, इसमें कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है, हम सबको मिलके इस वायरस से लड़ना है। अभी जैसे विनीता जी ने कहा कि युद्ध के पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, युद्ध के पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस प्रकार से हमने अपने लोगों को खोया है। आपने देखा कि नदियों के किनारे लाशों की ढेर लगी रहती थी। मैं किसी सरकार की इसमें गलती नहीं दूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि अभी आपने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली में पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों और डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई जिसमें 65,000 बेड बढ़ा दिया गया है, उसमें बढ़ाने की बात नहीं की, 65,000 बेड बढ़ा दिया गया है, जिसमें से 10,954 बेड ICU के रखे गए हैं, और पहले ऑक्सीजन रिफिलिंग की क्षमता दिल्ली में 1500 थी लेकिन इस समय 12.5% मैट्रिक टन कर दिया गया है। तो कुल मिला जुलाकर दिल्ली की सरकार पहले भी जिस प्रकार से निपट रही थी कोरोना से, अब भी पूरी तैयारी दिल्ली में हो चुकी है। और मैं उत्तर प्रदेश की भी सरकार से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपके TV चैनल के माध्यम से कि हम अभी पिछले दिनों के महामारी को हम भूल नहीं सकते। आप देख रहे थे कानपुर से लेके इलाहाबाद और इलाहाबाद से लेके बलिया तक नदियों के घाटों पर किस प्रकार से लोगों
लोग अपने परिजनों को जलाने के लिए जगह नहीं पाते थे, ये स्थिति हो गई थी। उस दिन को जब हम याद करते हैं तो आज भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। गांव-गांव में, मैं गांव में रहता था उस वक्त, मैं शहर में, शहर छोड़ के अब सब चले गए थे, जिनके पास गांव में रहने की व्यवस्थाएं थी, गांव में उनका घर था, सब गांव चले गए थे। मैं गांव में रहता था, लेकिन गांव में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन 4 से 5 फोन की घंटी 5 बार ऐसी ना बज जाए जिसे पता चले कि आपके फला लोग, फला आदमी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, मैंने इसीलिए इस डिबेट को बुलाया भी है कि हम पहले से चीजों को बेहतर कर सके। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं कोई उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई भी गलती नहीं दे रहा हूँ। एक मतलब ठीक है, एक ऐसी महामारी, एक ऐसी विपदा जो आ सकती है, लेकिन मैं आदरणीय योगी जी से, आदित्यनाथ जी से बस यही एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं यही उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सलाह देने के स्थिति में नहीं हूँ, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये अपना उल्टोजर बुलटोजर थोड़ा कुछ दिनों के लिए रोक लीजिए, थोड़ी एक मीटिंग बुलाइए डॉक्टरों की, अपने अधिकारियों की, क्योंकि ये एक ऐसा महामारी है जो आपके दरवाजे पर खड़ी है, कभी भी दस्तक दे सकती है। अगर दिल्ली का एक मुख्यमंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री इसे सचेत करते हुए, इसे आने से पहले ही, युद्ध के पहले ही पूरी तैयारी कर ले रहा है, तो मुझे लगता है आपको भी तैयारी कर लेनी चाहिए इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने कंधे पर बैठा कर आपको लखनऊ की गद्दी सौंपी है, तो आपको उनके लिए काम करना चाहिए। अपना उल्टोजर बुलटोजर कुछ दिनों के लिए रख लीजिए, और जो काम आपको करना है लोगों के हित के लिए वो काम आप करिए, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मीसम भाई, नया वेरिएंट कोविड का आ रहा है, दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया है, बच्चों के स्कूल खुले हैं, और गाजियाबाद में, नोएडा में पता चला है कि कई स्कूलों के जो बच्चे हैं वो संक्रमित हुए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से और स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात कदम उठाए जाएं? इसके अलावा सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस नए वेरिएंट को लेकर के, कि किस तरह से तैयारी की जाए? जो अभी नया तो खैर नहीं है, जो हमारी जो चिकित्सक जी बता रही है, विनीता द्विवेदी जी, हालांकि इस वक्त मौसम भी इस तरह का चल रहा है, तो हमारी जनता जो है, हमारे प्रदेश के लोग जो है, वो इससे अछूते नहीं है, 2 बार 3 बार सामना कर चुके हैं, और भली भांति जानते हैं कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है और कोरोना से कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है अपने अपने परिवार वालों। बात है यहाँ पर सरकार की, क्योंकि सरकार तो वही पुरानी है, और जो अभी पटेल जी ने कहा, तो उसी बात को मैं जोड़ते हुए आग्रह यही करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि कोरोना से तो हम लड़ लेंगे और लड़ लिए, तो इसी बार भी हम लड़े थे, मगर जो लूट और खसोट और भ्रष्टाचार और जिस तरह से जो आपातकालीन स्थिति देखने को मिल रही थी उत्तर प्रदेश में और गाँव गाँव में, जिस तरह से लाशें बहने और लोग रेत में ढांकने का काम कर रहे थे, उस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अहम कदम उठाना चाहिए। और बिल्कुल सच कहा हमारे विनय पटेल जी ने कि ये बिल्डोजर और ये देश की राजनीति और ये इस तरह की से हट करके हमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि वक्त रहते अगर हमने कदम नहीं उठाया विनीत जी, तो हो सकता हो कि मालिक ना करे कि फिर वैसी स्थिति हो, क्योंकि जिन लोगों ने अपना परिवार खोया है वो मात्र कोरोना के वेरियंट के नाम मात्र से ही उनके दिल पसीज जाएंगे और उनका मन झकझोर जाएगा, क्योंकि अभी वो आने और अभी वो विलाप और अभी उस तरह की वो जो स्थिति, भयावह स्थिति थी, वो हमने देखी भी है, और हम प्रार्थना करेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार से ये निवेदन, आग्रह और विनती के साथ ये बात कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो आपको सौंप रखी गई है जल्दी को, इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से आप इस तरह की कोई ना कोई कदम उठाए जिससे हम, हमारा प्रदेश की जनता। ठीक है मिसम भाई, मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से हैं। सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह से और बेहतर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा घातक बताया जा रहा है, और लगातार अब इसके केसेस बढ़ भी रहे हैं, हालांकि पुष्टि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्या जाँच के लिए जो जो मापदंड है या जो मायने हैं वो सही तरीके से विस्तृत हैं कि नहीं प्रदेश में या देश में, इस पर भी कहीं ना कहीं नज़र बनानी है। ये नया वेरिएंट जो आया है, जिन लक्षणों के साथ आया, उनसे कैसे लड़ा जाए, इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं पहले भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, जब इसके पहले अलग अलग वेरिएंट आए थे और इस वेरिएंट के आने से पहले भी ये चर्चा शुरू हो गई है, तो आपके नज़र में सरकार को कौन से प्रमुख कदम है जो उठाए जाने ज़रूरी हैं इस? नितिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको और प्राइम टीवी को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि एक तरफ जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो गए, वहाँ पे दिल्ली दंगे चल रहे हैं, रामनवमी की जो जुलूस चल रहे हैं, पत्थरबाजी चल रही है, उन सब चीज़ों को दरकिनार रखते हुए आपने उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत देश की जनता से जुड़ी हुई
एक ऐसी महामारी के मुद्दे के ऊपर आपने जो डिबेट रखी है, इसके लिए आप और आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है सर। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि जिस प्रकार सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी सरकार फेलियर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर था, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे महामारी का जो असर कम होता गया, जैसे कि हमने पहली लहर देखी, उसके बाद में जो सेकंड वेव आई थी डेल्टा की, उसके अंदर हमने न जाने कितने लोगों को खो दिया, वो भी हमने देखा। तीसरी लहर आई थी ओमिक्रॉन की, वो इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एहतियात बरती, कोविड के जो टीकाकरण वगैरह का अभियान वो भी काफ़ी तेज चला। अभी का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, ओमिक्रॉन और डेल्टा को मिला के जो नया वेरियंट आने वाला है फोर्थ वेव के अंदर, उसका नाम है डेल्टा क्रॉन, जो कि इन दोनों से कहीं ज़्यादा घातक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ सरकार के ही भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी चले जाइए भीड़ भाड़ वाले जगहों पे, ज़्यादा दूर ना जाते हो, हम लखनऊ के अंदर चले जाएँ, अमीनाबाद का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही है, मास्क लोग लगा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का पालन करें। क्योंकि आप सरकार के अगर भरोसे बैठोगे तो सरकार तो अपना काम जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता की जो जिम्मेदारी है, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर जनता अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो जाहिर सी बात है महामारी की चपेट में वो भी आएगी। तो सरकार के पास जितने साधन रहेंगे उनका वो तो प्रयोग कर रही है, लेकिन जनता को भी पूरी तरीके से जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात, मैं मैडम जो है विनीता द्विवेदी, इनकी बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि हमको तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। जिस प्रकार अभी मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान की जो सरकार, उनके शिक्षा मंत्री ऐसे हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, शायद ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री भी हैं, कई हॉस्पिटलों के दौरे भी कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही अच्छा रवैया है, जिससे वास्तविकता का पता चले कि शासन के अंदर, अस्पतालों के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में उनको मतलब धन्यवाद भी देना चाहिए और जनता को भी जागरूक रहना चाहिए, ताकि इस महामारी से हम खुद अपने आप को बचा सकें। ठीक है, केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जैन साहब, ये एक गंभीर समस्या एक बार फिर से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये जो अगला वेरिएंट आने वाला है ये काफ़ी घातक है। क्या तैयारियां हैं सरकार की, और आपके विपक्ष के कुछ साथी जो इस डिबेट में बैठे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ दिन आप लोग बुलडोजर वाला मामला भूल जाइए, डॉक्टरों की टीम को बुलाइए, चिकित्सकों को बुलाइए, चर्चा करिए और इससे कैसे लड़ा जाए उसकी तैयारी करिए। आप पूरी टीम को, प्राइम न्यूज चैनल को, कि जागरूकता के कार्यक्रम को आप एक डिबेट के माध्यम से चला रहे हैं। धन्यवाद सर। और ये भी बात सही है कि आज तमाम सारे चैनलों पे, क्योंकि ये विषय भी, वो भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर पत्थरबाजी हुई, हमला हुआ है दिल्ली में, और उसको लेकर के भी चर्चाएं सारे चैनल करवा रहे हैं, लेकिन आपने एक अच्छा विषय रखा, खास करके इसके माध्यम से जागरूकता भी लोगों के अंदर फैलेगी। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर विनीता जी का, कि उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे बचाव हो, किन चीजों की आवश्यकता। हमें लगता है कि वही तीन चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, जिस प्रकार से ये पहला कोरोना वायरस और फिर उसका वेरिएंट डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन, तमाम सारे जिस प्रकार से वेरिएंट आए और हम लोग उससे बचे रहे, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जनता की जागरूकता की वजह से ही लोग इन चीजों से बच सके। और देखिए, रही बात इसके बाद की बात आती है, जब आप संक्रमित हो ही जाते हैं, जब हम संक्रमित हो ही जाते हैं, तब बात आती है डॉक्टर्स की टीम की, तब बात आती है हॉस्पिटल में भर्ती होने की, तब बात आती है ऑक्सीजन की, तब बात आती है दवाइयों की, तो ये सारी चीजें उसके बाद में आती है। तो हमें लगता है कि जो 60-80% जिम्मेदारी है, अगर उसको हम निर्वहन करें कि इसकी चपेट में ही ना आने पाए, तो हमें लगता है आगे जो बड़ी समस्या, पूरा परिवार एक लोगों के संक्रमित होने से जो झेलता, उससे बचा जा सकता। दूसरी बात ये कि आपने सवाल किया जो कि आगे की तैयारी क्या है। देखिए, सबसे बड़ा कदम उठाया गया कि निशुल्क वैक्सीनेशन का, पूरे भारत देश में निशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई, और अभी तो 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, काफी कुछ काम उस पर कंप्लीट हो गया है। अब सरकार ने एक नए बूस्टर डोज को भी निःशुल्क रूप में सरकार की तरफ से उसके लिए भी जारी किया गया, और लोग बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं, खास करके पहले जो 60 वर्ष के ऊपर के लोग थे पहले चरण में उनको, और उसके बाद में फिर 18 से जो 60 के बीच में उनको, और फिर बच्चों को। तो कुल मिला के जिनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा देखा जा रहा है
जिनकी उम्मीद ज्यादा है, जिनको लगता है इम्यूनिटी सिस्टम इनका कमजोर है, जैसे 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, तो उनको प्राथमिकता के तौर पे बूस्टर डोज लगातार दिया जा रहा है। और जितने भी सेंटर थे, जितने भी केंद्र थे कि कोविड के वैक्सीनेशन के जितने भी केंद्र थे, वो सारे केंद्र संचालित है, और वहां पे आप जा करके आप एक रजिस्ट्रेशन करा करके, आप तत्काल रजिस्ट्रेशन करा करके भी आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार अपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ लोगों को जो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि ये ना हो कि हमारे पास घर में खाने को नहीं है, हमें कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, काम करने के लिए हमें निकलना ही पड़ेगा, लॉकडाउन तब भी हमको निकलना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था लॉकडाउन के समय में शुरू की गई, अभी भी ये व्यवस्था जिस प्रकार से जारी है, तो इससे गरीबों के लिए और असहाय लोगों के लिए एक बड़ी राहत देने का काम सरकार ने इस तरीके से किया कि निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को, भारत देश के 80 करोड़ लोगों को। क्योंकि सरकार और उसके बाद सवाल, एक सवाल हर जिले में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा, मैं उसी में बता रहा हूँ आपको, जो है नितिन जी, हर जिले में लगभग एक ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित हो चुका है, वहाँ के जिले के सांसद के द्वारा या विधायक निधि के द्वारा, सांसद निधि के द्वारा, तो हमारे पास आज ऑक्सीजन की काफी मात्रा है, और हमें आवश्यकता पड़ी तो अगर दूसरे स्टेटों की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन निर्यात करने की भी स्थिति में है, दूसरे प्रदेशों को देने की भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की स्थिति आ गई है ऑक्सीजन को लेकर। ठीक है, और एक सवाल जैन साहब, ये मैं सलाह के तौर पे बोलना चाह रहा था, क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं बच्चों के, और बच्चे कहीं ना कहीं बहुत एहतियात भी नहीं बरत पाते, ना हमारी आपकी उन पर नजर होती है, लेकिन स्कूलों में जो प्रिकॉशंस हैं वो बरते नहीं जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से अधिकारियों तक ये बात पहुंचे कि जो स्कूल प्रशासन है उन्हें सख्त हिदायत दी जाए कि स्कूलों में बच्चों को प्रॉपर जो प्रिकॉशन है वो बरतवाया जाए। देखिए नितिन जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ जी। आपने एक सलाह जो दी साथ में सवाल के साथ में, तो हमें लगता है आपने माध्यम हमें जरूर बनाया है, लेकिन आपने जो सवाल है सवाल के साथ में आपने जवाब भी दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को के पालन के लिए कि ट्रिपलिंग ना करें, मास्क जरूर लगाएं, तो इस तरीके की चीजों को लेकर लगभग 5 लाख लोगों के चालान और इस तरीके की कोविड को लेकर के कार्रवाइयां पिछले वर्ष जो उत्तर प्रदेश में हुई, केवल उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन फिर इनको शून्य किया गया, इन मुकदमों को खत्म किया गया। दरअसल मुकदमों का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि कोई प्रताड़ित हो, किसी को दंड मिले, कोई परेशान हो, इसका सबसे बड़ा कारण यही था जो सवाल आपने खड़ा किया, इसीलिए इस व्यवस्था को रखा गया था। कि दरअसल उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं ना कि बिना डर और भय के लोग अपनी जान भी नहीं बचाते, हेलमेट लगा के भी लोग नहीं चलते, हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि चालान से बच जाए, हेलमेट इसलिए इस उद्देश्य से लगाते हैं कि अगर कहीं बाई दावे कहीं हम लड़ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारा सिर बचा रहेगा, हमारा जीवन बचा रहेगा, सबसे सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का जो है सिर हमारा, हेड, तो उससे बचने के लिए हेलमेट लगाना है, चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं लगाना है। लेकिन आप जानते हैं कि लोगों की क्या मानसिकता है, किस तरीके है। की कार्य पद्धति है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बिना सख्ती किए, बिना चेतावनी दिए, बिना सख्ती किए, बिना कानून बनाए, हम आपके जीवन की रक्षा के लिए ही आपको प्रेरित नहीं कर पाते। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, और इसीलिए वो 5 लाख चालान हुए, फिर उनको निरस्त किया गया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। तो जो स्कूल की बात आपने कही, स्कूल की जो बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो हमें लगता है गार्जियंस और टीचर्स की है कि इन चीजों को ध्यान में रख करके जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी को कफ है, किसी को कोल्ड है, किसी को जुकाम है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा अलग करके उनके गार्जियन को भी जानकारी दे, और उसका खुद भी चाहे तो आप उसका कोविड का टेस्ट करा सकते। ठीक है, मैं आता हूं। जागरूकता की आवश्यकता बिल्कुल है। ठीक, मैं आता हूं। विनय पटेल, सुनिए आपने जैन साहब की बात, उन्होंने बताया कितनी तैयारियां हैं हमारे पास और हम उन तैयारियों को और बेहतर कर रहे हैं, कितने सहमत हैं आप? जैन साहब ने तो तैयारियों पर कोई चर्चा ही नहीं किया। उन्होंने बताया पिछली बार हमने सख्ती करने के लिए मुकदमे किए थे, लोगों को राशन दिया था, तो मुकदमे करना तो उनकी पुरानी आदत है, मुकदमे तो वो करते ही रहते हैं। नहीं, उन्होंने भी बताया कि हम दूसरे प्रदेशों को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं, दूसरे देशों को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं, ऑक्सीजन देने की स्थिति में हैं। तो जो इन्होंने बताया कि हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगा चुके हैं, जैन साहब आप कल सुबह निकलिए, मैं अपनी गाड़ी से आपको ले चलूंगा। मैं सिर्फ एक जिले का उदाहरण देता हूँ, अम्बेडकर नगर के महामाया
मेडिकल कॉलेज में आपका जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है उसकी स्थिति आप देख लीजिए, अगर वो ऑक्सीजन देने की स्थिति में होगा तो आप वहीं जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। आप ऐसी, आप लोगों की ये आदत है कि आप लोग छोटी सी बात को, झूठी सी बात को तोड़ मरोड़ कर इतना बड़ा बना देते हैं। आप बता रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन देने की स्थिति में है, और स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ग्रामीण जिले हैं, 40 से 42 ग्रामीण जिले जो नितिन जी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने संवाददाताओं को भेजकर उन जिलों में जहां पे इनका ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसकी एक बार निगरानी करा लीजिए, हकीकत आपको सामने आ जाएगी। असल में सच्चाई क्या है नितिन जी, मैं आपको बताता हूँ। सच्चाई ये है कि जैसे एक बच्चा है, बच्चा पहले भूखा रहता है, वो भूख के लिए रोता है खाने के लिए, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। ये लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को उठाकर बगल में जो बड़ी अलमारी रहती है उस अलमारी पे बैठा देते हैं। अब बच्चा पहले उतरने के लिए रोता है, भूल जाता है मुझे खाना चाहिए, तो उतरने के लिए रोने लगता है, मुझे उतारो, मुझे उतारो, मुझे उतारो। तो जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये उनसे अपना पीड़ा पीछा छुड़ा के ये दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी घटनाओं में विलुप्त हो जाते हैं। इनका आपने पिछले दिनों देखा, कोरोना काल के पिछले दिनों में जो स्थिति उत्तर प्रदेश में इन्होंने कर डाली थी उसे कोई भूला नहीं है आज तक। तो जैन साहब, मैं आज भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा ना करें, अपने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा ना करिए। इसी जनता ने आपको, इसी जनता ने आपको बहुमत देकर उत्तर प्रदेश की गति दी है, तो आप झूठा आश्वासन ना दीजिए कि आपने हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया है। ये झूठी बात एक चैनल पर बैठ के जैन साहब आप ना करिए, आप सच्चाई बताइए कि हमारी स्थिति क्या है। आप बताइए जो पिछली बार कोरोना के समय में नदियों की घाटों पर लाशें तैर रही थी उससे आपने तैयारी किया है कि नहीं किया है। आपने बताइए जो आपने 14,000 का सिलेंडर 52,000 में बेचा था, बदायूं का एक, लेकिन बदायूं का एक अधिकारी सस्पेंड हुआ था, वो घोटाला अपनी बार आप लोग करेंगे कि नहीं? आपको याद है, आप सच्ची बात बताइए ना। ठीक है जैन साहब, जैन साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है जैन साहब सुन लीजिए, सुभाष जी क्या कह रहे हैं। ठीक है जैन साहब प्लीज, ठीक है जैन साहब मैं आ रहा हूँ, आ रहा था दिल्ली से और महाराष्ट्र से। ठीक है मैं आ रहा हूँ जैन साहब, आ रहा हूँ प्लीज प्लीज, बंद कर दीजिए। ठीक है, लाख लोगों के लिए राशन, ठीक है ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, कृपया प्लीज एक दूसरे पर इस तरह से हमला करिए वो ठीक है, लेकिन दूसरे मुद्दों पर, इस मुद्दे पर नहीं, यहाँ पर हम लोग जनता के मुद्दे को लेकर बैठे। ठीक है जैन साहब प्लीज, ठीक है थैंक यू, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है जैन साहब, ठीक है मैं आ रहा हूँ। सुभाष जी, नितिन जी मैंने अभी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पटेल साहब की बात सुनी, जैन साहब की बात सुनी। अच्छा मैं यहाँ पे पटेल जी के से पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो इनकी सरकार दिल्ली के अंदर थी, अब इनकी सरकार पंजाब के अंदर भी आ गई है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय पटेल जी आक्रामक होकर उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात, चलिए ठीक है मान रहे हैं। लेकिन मैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी विनय पटेल जी को ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है, इसके पहले ये लोग रोना रोते थे क्योंकि होम मिनिस्ट्री इनके अंडर में नहीं आती, इसीलिए दंगे वगैरह हो रहे हैं, जो भी चीजें भड़काने वाली वहां पे होती थी फट से अपना हाथ ऊपर कर लेते कि भैया हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन चिकित्सा व्यवस्था इनके अंदर में, एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं इस समय, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है। तो विनय पटेल जी ये क्यों नहीं बता रहे, बार 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 उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर क्या कर रही है वो बताने का प्रयास करें आप, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे। विनय देखिए, सुभाष जी आप जो बात कह रहे हैं कि एनसीआर के अंदर कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने पहली बात, मैं आपके पहली बात का जवाब दे दूं, आपने कहा पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, हम कहते थे होम मिनिस्ट्री मेरे हमारे अंडर में नहीं आती, अब हमारी पंजाब में सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब से जवाब मांगना अभी हमारे लिए जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक डेढ़ महीने पहले सरकार बनी है और इन एक डेढ़ महीनों में पंजाब ने जो काम करके दिखा दिया, पंजाब की सरकार भगवंत मान साहब, दिल्ली में बताइए ना, शायद वो दिल्ली में बता दीजिए, पंजाब छोड़ दीजिए, दिल्ली बताइए। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात पिछली बार भी आपने देखा, मैं एक चीज यहां पे जरूर कहना चाहूंगा, जो आप राज्य दर राज्य बता रहे हैं कि कौन सी राज्य की कितनी तैयारी हुई, मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि इस पर हमारे केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत है, हमारे केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से राज्य हमारे पास ऐसे थे पिछली बार। मेरा सवाल बहुत से राज्यों से नहीं है, मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे, जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश की सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ।
बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे उनका अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट नहीं हो, दूसरे प्रदेशों के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर केंद्र सरकार का सहयोग रहा तो मुझे लगता है सभी राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वो दूसरे राज्यों के भरोसे ना रहे। जहां तक दिल्ली की बात रही, पिछली बार आप लोग कोरोना के दौरान आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के सीएम ने हर प्रतिदिन की रिपोर्ट किस प्रकार से आप लोगों की टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों के दिल्ली बीच के रखी और किस प्रकार से एक हफ्ते के अंदर जैन साहब सुनने की आदत डालिए। दिल्ली सरकार पहली सरकार है जिसने एक हफ्ते के अंदर 1000 का रामलीला मैदान में अस्पताल बनवाने का काम किया था। दिल्ली की वो पहली सरकार थी जिसने ऑटो वालों को 5000 रुपए देने का काम किया था। दिल्ली की वो पहली सरकार थी जिसने हॉस्पिटलों में दवा का इंतजाम किया था। और जो आप मैं आपकी ही बातों पर जो आपने एनसीआर की बात की, अब एनसीआर में आपका क्या कहना है? हम लोग आए एनसीआर में तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में हमने 65,000 नए बेड बनाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में हमने 10,995 आईसीयू बेड बनवाने की तैयारी कर ली है। जहाँ पहले हम एक दिन में 1500 सिलेंडर भरते थे, अब वहाँ पे हम 1250 नाइट्रोजन सिलेंडर भरने की तैयारी कर ली है। एनसीआर से हमारा क्या लेना है? अब गाजियाबाद में क्या हो रहा है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार जानेगी? और दिल्ली में जहाँ तक आप यही कहेंगे ना कि दिल्ली के लोग एनसीआर में आते हैं, दिल्ली के लोग एनसीआर में आते हैं, तो आपको ये भी जानकारी होगी कि विदेशों से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में ही आते हैं। सबसे पहले फ्लाइट जो लैंड करती है वो सबसे पहले दिल्ली में करती है। तो अब इसके लिए हमें केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए। गाजियाबाद में क्या हो रहा है, आपके हरियाणा में क्या हो रहा है, इसकी जवाबदेही हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो दिल्ली की सरकार की नहीं है। ठीक है, ठीक। पहली बात तो है कि एनसीआर को मैंने इंक्लूड किया था, मैंने उसके अंदर दिल्ली भी बोला था और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट इस समय आ रहे हैं। आप भी न्यूज चैनल के माध्यम से जान रहे होंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जान रहे होंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा यात्री आते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, ठीक है, लेकिन वहां की दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? वो जांच का दायरा क्यों नहीं बढ़ा रही है? वो जेनम सिक्वेंसिंग क्यों नहीं कर रही है? घर घर जाके वो टेस्ट क्यों नहीं कर रही है? आप अपनी चीज तो बताइए ना, ले देके ठीक रहा केंद्र सरकार, ले देके ठीक रहा उत्तर प्रदेश सरकार, आप तो बताइए। अपनी चीजें तो बताइए कि आपकी तैयारी क्या है, एटलीस्ट दिल्ली की जनता को ये आश्वासन तो मिले कि हाँ दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर पूरी तरीके से कोरोना के फोर्थ वेव के अंदर सुरक्षित है। आप अपने ही बताइए ना, सुभाष जी कोरोना के दौरान जब दिल्ली की सरकार प्रतिदिन जांच की रिपोर्ट देती थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश की जो जैन साहब बैठ के मुस्कुरा रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिदिन मौत के आंकड़े नहीं बता पाती थी। ये थी दिल्ली की तैयारी, आप उस समय देखते होंगे। अब अभी से हमने तो आपको बताया, हमने उस समय ये भी देखा है दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को छोड़ दिया था, हमने आपको ये भी देखा था उस समय। बस बहुत सही मुद्दे पे आ गए। उसके 6 घंटे पहले आपके इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने कहा कि गाजियाबाद में हमने बसों की व्यवस्था कर दी है, दिल्ली के लोग जो हमारे यूपी के लोग दिल्ली में रहते हैं। देखिए, पुराने मामलों पर चर्चा ना हो तो बेहतर है, अभी आगे क्या होना उस पर चर्चा करी जाए तो ज्यादा बेटर होगा। मिसम भाई, जैन साहब ने कई चीजें बताई कि किस तरह से हम लोग तैयार हैं, हम लोग दूसरे राज्यों को भी, दूसरे देशों को भी ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं, और मेडिकल की जो सुविधाएं हैं लड़ाई के लिए इस कोविड के नए वेरिएंट की, वो भी लगभग काफी पुख्ता है, वैक्सीनेशन भी प्रॉपर हुआ है। आप सहमत हैं इस बात से? विनीत जी, मैं क्या बोलूं, इन्होंने तो 2 से 3 बार कोरोना का दौर आया, उसमें भी इन्होंने जो बातें कही वो सब हवा हवाई निकल गए। जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि सरकार के भरोसे ना रहे, अपने लिए भी मजबूत कदम बनाए रहे। और विनीत जी, इतनी अहम चर्चा आज हो रही है कोरोना की, मुझे लगता है कि इन पार्टियों के भरोसे से अच्छा है कि हमें ज्यादा समय चिकित्सा जी को देना चाहिए था। हाँ, मैं उन्हीं के पास आपके बाद उसके बाद आ रहा हूँ, क्योंकि वो जो आज कोरोना का एक अहम मुद्दा है और ये किसी की जान से जुड़ा है। राजनीतिक पार्टियों का मामला है सिर्फ आंकड़ों का बयान करना, और भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी WHO से अपने प्रशंसा पत्र ले लिया था, और आप देख रहे थे लाशें किस तरह से तैर रही थी। इनका वादा उस बार भी, दावे सब हवा हवाई निकल गए थे, और इस बार भी ये राम भरोसे हैं, और हो सकता है कि अब की बार ऊपर वाला कुछ रहम करते हम लोगों के ऊपर, क्योंकि सरकार के ऊपर तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। आपको होगा तो अलग की बात है, हमें और हमारे प्रदेश की जनता को कतई भरोसा नहीं है कोरोना के मामले में। आप मुझे अलग क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों अलग कर रहे हैं? विनीत जी, मैंने एक राय रखी कि हो सकता हो कि आपका यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे जनता संघर्ष मोर्चा के सुभाष यादव जी हैं, इनको ज्यादा फेस हो भारतीय जनता पार्टी के उसके ऊपर की भाई कोरोना से लड़ाई में, मगर हमें नहीं है। मैं अपनी बात रखना हूँ,
तो मुझे ये लगता है जी, मुझे फेथ किसी पे नहीं है। आपने शायद स्टार्ट में नहीं देखा होगा, मैंने स्टार्ट में ही बात बोल दी थी कि सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर नहीं बैठा हूँ, यहाँ बात ये आ रही है कि सत्ता पक्ष की बात छोड़ विपक्ष भी अपनी भूमिका ठीक तरह से नहीं निभा रहा है। विपक्ष की भी भूमिका समझनी चाहिए, सिर्फ सरकार और चिकित्सकों के भरोसे नहीं होती सारी चीजें। आपकी बात को सुन रहा हूँ, मैंने आपको एज ए प्रवक्ता नहीं जोड़ा, मैंने कहा हो सकता हो कि आपकी आस्था हो सरकार पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से इन्होंने पहले बार भी इस तरह से टीम 11 बनाई और बनाने के बाद फिर उसमें ये फ्लॉप हो गया, फिर उन्होंने टीम 9 बनाई, तो 11 9 और 6 बनाने से मुझे लगता है कि कोरोना ना डर जाएगा इनके अधिकारियों को देख करके, ना भारतीय जनता पार्टी के झंडे को देख के डर जाएगा, और ना वो किसी पार्टी के झंडे को देख करके रुक जाएगा। ना जात पात ना मजहब, ये जो आज धर्म की बातें हो रही है कि लाउड स्पीकर लगे ना लगे, ये सब कुछ नहीं। जहां लाउड स्पीकर लगा होगा वहां भी कोरोना घुस जाएगा, जहां लाउड स्पीकर नहीं लगा होगा नीतीश जी वहां भी कोरोना चला जाएगा। कोरोना रुकेगा हमारी चिकित्सा पद्धति से, हमारे विद्वान डॉक्टरों से, हमारे चिकित्सकों से, जो हमारे देश के, हमें उन पर भरोसा है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल करके उन कोरोना वॉरियर्स को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा और ना उन्होंने अपना परिवार देखा, वाकई इनाम के हकदार और वाकई उनको सैल्यूट है हम सभी प्रदेश और देशवासियों को कि जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को और अपनी जान को जोखिम में डाल करके नितिन जी जिस तरह से लड़ाई लड़ी, हम उनको भूल जाते हैं और हम एक पार्टी की और अपनी वोट लेने और देने की राजनीति मुद्दे पर बात शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए कि हमें इससे मिल करके लड़ना है नितिन जी, और जिस तरह से जो गाइडलाइन हमारे डॉक्टर्स हमें देते हैं हमें उन्हें जनता के बीच पहुंचाने का काम करना है। और सरकार से जो मेरा आग्रह है कि वो जो लूट खसोट का काम है काला बाजार, कृपया उसी को ही रोक दे नितिन जी, तो हमारे यहाँ प्रदेश की आधी से ज्यादा जनता इस महामारी से बचने मरने से बच जाए। ठीक ठीक है, मैं आता हूँ फिर विनीता जी, अब मैं आपके पास आऊंगा आखिरी में। सबसे अहम चीज ये है कि स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस वहाँ पर बरता जा रहा है या नहीं बरता जा रहा है बच्चों, क्योंकि हम सबकी वो समस्या, हम सबके घर से, हम सबके घर के आस पास से कई सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो हम लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी है उन बच्चों को लेकर के, स्कूल प्रशासन कैसी सावधानी बरते, और अगर किसी को ये समस्या हो रही है खांसी जुकाम बुखार शुरुआत में हो रहा है, क्योंकि पहले कहा जाता रहा है कि विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, काढ़े का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, गर्म पानी का जो वेपर है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो क्या इस बार भी इसी तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही उसमें ये सारी चीज़ें कारगर हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आपने बच्चों की बात की, ये बताइए कि बच्चे तो बच्चे हैं, आपको देखने में लग रहा है कि बड़े कितने जागरूक हैं? आप मार्केट में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो हम लोग जो गार्जियन हैं, जब हम लोग प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, नियम पूरे फॉलो नहीं करते, तो हम अपने जो बच्चे हैं जो हमको देखकर सीख रहे हैं उनको हम कैसे सिखा सकते हैं? स्कूलों में स्कूल खुल चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि मतलब हम कितनी भी तैयारियां कर लें या कितना भी वो कर लें, बच्चों को हम एक दूसरे से बहुत अलग करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक स्कूल में समझ लीजिए 1,500 इतने बच्चे होते हैं और उनकी छुट्टियों के टाइमिंग एक जैसी होती है, इतना हमारे पास स्कूलों में जगह नहीं होती कि आप 6 फीट 6 फीट करके बच्चों को रखें। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ तरीके से हम रोक सकते हैं लेकिन एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि जैसे जिन बच्चों को मतलब कोल्ड है उनको स्कूल में आने के लिए मना कर दिया जाए, और ऐसा लगे कि मतलब कुछ पेरेंट्स को भी हम अवॉर कर सकते हैं, बता सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से आना है, जैसे स्कूल से बच्चे जाते हैं किस तरीके से टिफ़िन दें, हाइजीनिक तरीके से खाने का तरीका, फिर हर बार हाथ धोने, हाथ हैंड वॉश करें, हाथ धोएं, फिर घर जब आते हैं तो किस तरीके से अपनी ड्रेस को मेंटेन करें, किस तरीके साफ सुथरा रखें, इतना डिस्टेंस लेके बच्चों से बातचीत करें। अब गेम्स पीरियड हैं तो उसमें किस तरीके से, बच्चे खेलना तो रोकेंगे नहीं, एक दूसरे से टच होना नहीं, दोस्ती नहीं,
तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बच्चों को बिल्कुल रोक देंगे, ये ज़रूर है कि उनकी हैबिट्स को हम सुधार करके थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले खुद की हैबिट्स भी तो सुधारनी है। और मैं आपसे एक ये बात बताना चाहूँगी कि जैसे प्रिवेंशन जो है, अभी हम लोग जो है सबसे ज़्यादा फोकस इसको जो प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा दें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि बम की तरह फूटती है। तो अगर जब हम लोग इसको धीरे धीरे धीरे, इसको आप बहुत कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दो वेव में आप देख चुके हैं कि आप कितनी भी प्रयास करेंगे इसको बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। जब आप अपने प्रयास से इसकी स्पीड को स्लो कर लेंगे तो आपके दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा जिससे आप इसको, इस जो नया वायरस है उसकी स्टडी कर सकते हैं, इसके किस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ कारगर हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, आप सब कुछ एक मतलब स्टडी का टाइम मिल जाएगा आपको। और दूसरा क्या है कि एक तो बम की तरह अगर ये फूटेगा नहीं तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर लोड कम हो जाएगा। पिछली बार ये सेकेंड वेव में क्या हुआ था कि मतलब ये कोई मतलब पार्टी या किसी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जिम्मेदारी है इसको रोकने की। तो अगर हम इस बार भी फेलियर होते हैं इसको रोकने से और ये बम की तरह फूटेगा तो आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए हॉस्पिटल्स में, कितनी दवाइयाँ कर लीजिए, कितनी भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ कर लीजिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोड में पेशेंट होंगे तो हम सिस्टम को कोलैप्स होने से नहीं रोक सकते। इसीलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि इसको बिल्कुल कंट्रोल करके रखें आप अपने अंडर कंट्रोल। अच्छा, लोगों के दिमाग में मैडम एक बात ये भी है कि हमें वैक्सीनेशन लग गया है तो हमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोविड होएगा भी तो हम बच जाएंगे, क्या ये बात सही है? देखिए इसको पूरी तरह से नहीं, देखिए वैक्सीन जो है आपके लिए हेल्प है, एक प्रोटेक्शन हेल्प है, आपका हथियार है, लेकिन आप ये मतलब ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बहुत अच्छा हथियार है या मेरे पास टैंक है और मिसाइलें हैं तो मैं अगर मैं लड़ने निकल जाऊंगा तो मुझे एक भी गोली नहीं लगेगी, मैं मरूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये है कि आपके बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते कि मैंने वैक्सीन लगा लिया है और मैं बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं लूँगा, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, सैनिटाइजेशन नहीं करूँगा और घूमूंगा फिरूंगा तो मुझे कोविड नहीं होगा। ये है कि इतना कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ भारत में जो वैक्सीन चल रही हैं वो कारगर हैं और बहुत पैमाने पे वैक्सीनेशन हो भी रहा है, लोग भी जागरूक हैं, लगवा भी रहे हैं। तो ये है कि जब कोविड होता है तो इतना फैटल नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोविड नहीं होगा, मतलब खतरे में वो भी हैं और उनको भी सतर्कता बरतनी बहुत सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये जो कोविड के केसेस हैं अगली लहर के वो अब बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि विनीता जी ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अगर समस्या एक का एक उत्पन्न हो गई तो कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं क्यों ना हो स्वास्थ्य की, वो समस्याओं में ज़रूर आएंगी। और ऐसे में अगर इससे बचना है तो इसके लिए जो प्रिकॉशन है, जो शुरुआती सतर्कता है, वो बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी से ही अगर आप घरों से बाहर निकलिए तो चेहरे पर मास्क हो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से थोड़ी सामाजिक दूरी अब बनाना शुरू कर दीजिए जो कि अभी तक नहीं बन रही थी। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।